हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप भी पहली बार माँ बनने वाली हैं, आपको कंसीव हो चुका है, आप प्रेग्नेंट हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर जुकाम हो जाता है, अगर बुखार हो जाता है, तो एक महिला बहुत ही घबरा जाती है, बहुत ही चिंतित हो जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि सामान्यतया अगर आपको नॉर्मल है, आप प्रेग्नेंट नहीं है और जुकाम होता है, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, कोई भी दवा डॉक्टर दे तो ले सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट होने पर बहुत सोचना पड़ता है कि हमको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कहीं कोई ऐसी चीज हम ना ले लें जिससे कि हमारी प्रेग्नेंसी को कोई डेंजर हो, कोई हार्म पहुंच सके। तो आज इसी विषय को मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगी और होम रेमेडीज बताऊंगी जो कि बहुत इफेक्टिव हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल है, और जिससे कि आपका बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित होगा और आपको भी सर्दी और जुकाम की कंडीशन में आराम मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्या करना है, क्या स्टेप लेना है आपको। सबसे पहली बात कि अगर आपको ऐसी कंडीशन में सर्दी और जुकाम हो जाता है तो आपको रेस्ट अच्छे से करना है, आपको आराम करना है। क्योंकि आप जितना अच्छे से आराम करेंगे आपकी बॉडी उतनी ही जल्दी रिकवर होगी। और ये जो भी सिम्टम्स होते हैं सर्दी जुकाम के और बुखार के, ये 7 से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। तो आपको इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। दूसरी बात कि आपकी नाक अगर बहुत ज्यादा ब्लॉक है, नाक के अंदर स्वेलिंग आ गई है और आप ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल, तो अब आपको क्या करना चाहिए, कोई भी दवा का यूज आप नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नली या इंटरनली। तब ऐसी कंडीशन में एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है वाटर की स्टीम। वाटर की स्टीम को आप स्टीमर की हेल्प से भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरली इस तरह का स्टीमर आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आप स्टीम आराम से ले सकें, इसको इस तरह से प्लग इन करके। लेकिन अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप एक छोटे से भगोने में पानी को गर्म कर लें, उसमें ढक्कन लगा लें और बिल्कुल आराम से बेड पे बैठ जाएं, अपनी सहूलियत से बैठ जाएं और टॉवल से मुंह को ढक के थोड़ा सा ढक्कन हटा के अच्छे से स्टीम लें। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। और ऐसे स्टीम लेने से आपका जो नेजल कंजेशन है, आपको जो हेडेक है, उसमें आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और उसके बाद आप अगर रेस्ट करते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो नाक के अंदर की जो झिल्ली है, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, वो ड्राई हो जाती है। और उसमें जब खिंचाव होता है ड्राई होने के कारण, तो हमें सिर में दर्द होता है, नाक में दर्द होता है और बहुत ज्यादा पेनफुल महसूस करते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए एक घी और कपूर का प्रयोग बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें आप गाय के घी को ले सकते हैं, जिसमें कि बहुत कम मात्रा में, जितना आप गाय का घी ले रहे हैं उसका 10वां हिस्सा कपूर का उसमें ऐड कर दें, उसको गुनगुना कर लें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। और एक एक बूंद आप दोनों नॉस्ट्रल्स में सोते समय डाल लें, जिस और सिर को पूरी तरह से लेट के डाल सकते हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से नाक के अंदर चली जाएगी और वो बिल्कुल मॉइस्ट कर देगी, नम कर देगी अंदर की झिल्ली को। और जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, बिल्कुल नेजल पैसेज जो है आपका क्लियर फील करेंगे। तीसरी बात, ऐसी कंडीशन में आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। अर्ली प्रेगनेंसी का समय है, मुश्किलें तो होती होंगी, ज्यादा पानी पीने से कई बार वॉमिट भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको पानी बार बार पीते रहना है। अगर आपसे पानी पीने में कोई समस्या है तो आप उसके अंदर ORS को ऐड करके भी ले सकते हैं। चौथी बात, आपको नहाना नहीं है। ऐसी समय में हो सके तो आप नहाने को स्किप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपको मालूम चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे सर्दी जुकाम हुआ है, खांसी है, या किसी भी तरह का फैलने वाली प्रॉब्लम है टच से, संपर्क से, उनसे आप दूरी बनाएं, अपना हाइजीन मेंटेन रखें। आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से वॉश करें, साबुन का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। जितना ज्यादा आप बचाव करेंगे उतना ही ज्यादा आप किसी भी परेशानी में आने से बचेंगे। अब आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, वो बातें बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा चाय, अक्सर जुकाम होने पे लोग काढ़ा या चाय पी लेते हैं, लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं, ये आपको नहीं भूलना है। आप प्रेग्नेंट हैं इसीलिए आप किसी भी तरह का काढ़ा या चाय या कोई भी गर्म चीज जो कि जुकाम को ठीक करने के लिए ली जाती है, नहीं लेना है आपको। आपको ये जो रेमेडीज मैंने बताई हैं ये बहुत ही ज्यादा कारगर हैं और आपको बहुत आराम देंगी। लेकिन तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने गायनेक को कंसल्ट करें, आपकी कंडीशन में कौन सी दवाएं इफेक्टिव हो सकती हैं वो आपकी डॉक्टर आपको देख के आपको सजेस्ट करेंगी।
फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बने रहिएगा हमारे साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।